अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शुभम संस्थान और विश्वास सेवा संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने महिलाओं को उनके अधिकारों, हितों की रक्षा और कानूनों को लेकर जानकारियां दी। वहीं महिला संगठन की ओर से राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुड़ामलानी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जटियों के नयावास में नारी सम्मान समारोह का आयोजन शुभम संस्थान एवं विश्वास सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केसरदान रत्नू, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अध्यक्ष पद पर आंबाराम वडेरा, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी व विशिष्ट अतिथि पद पर मुकेश व्यास, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना उपस्थित रहे। समारोह में अति विशिष्ट पद पर वंदना गुप्ता, एडवाइजर अनमोल जीवन अभियान, शोभा गोल, महिला परामर्श केंद्र काउंसलर, सीमा रंगा, साहित्य कार्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता विमला वडेरा, महिला सुपरवाइजर, महिला पार्षद दरिया चौधरी थे। विश्वास सेवा संस्थान के सचिव राकेश कुलदीप ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थानी परंपरा अनुसार भारत माता का पूजन और अतिथि सत्कार के साथ किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ कार्य करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सफाई कर्मियों सहित अनेक मात्र शक्ति को नारी सम्मान पुरस्कार देकर मंचासीन अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसरदान रत्नू ने कहा कि महिला त्याग की मूर्ति होती है। मानव का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी मुकेश व्यास ने कहा कि नारी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए अंबाराम वडेरा ने सभी महिलाओं को आह्वान किया कि स्वयं सहायता समूह या अन्य मंच बनाकर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करें। कार्यक्रम में वंदना गुप्ता, शोभा गोड़, विमला वडेरा, सीमा रंगा, विमला वडेरा ने संबोधित किया। अहम उस वो ईगो की वजह से इंसान बहुत सारे दुश्मन पैदा करता है। एक समुद्र बनाने के लिए पर एक अकेली स्त्री ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। पालन के क्षेत्र में हो या घर परिवार को लेकर हो या चाहे बच्चों को लेकर हो, महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। हम कहते हैं कि पुरुषों ने काम किया, सारा काम करते हैं, वो काम पे जाते हैं, लेकिन महिलाओं का योगदान भी। बच्चे हमारी माताएं बहनें रोज सुबह उठते हैं, बच्चों को देखते हैं, घर में कार्य करते हैं। सदर घर में घुसी, गृहस्थी में घुसी, चाय झाड़ू पोछा बर्तन के अंदर सिमट गई हूँ, भूल गई हूँ सखियों संग फिटोली, रुक ना पाती माँ बाबू के पास, भाई संग खेल ना पाती। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला संगठन बाड़मेर की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिला संगठन की महिलाओं ने रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। महिला संघ के अध्यक्ष अनिता सोनी ने कहा, महिला संगठन लंबे समय से रक्तदान कर रहा है और इसमें 90 सदस्य हैं जो लगातार अलग अलग अवसरों पर रक्तदान कर रहे हैं। इस अवसर पर मीना चौधरी ने तीसरी बार, मंजू सोलंकी ने तीन बार, पूनम जोशी ने चार, चौथी बार रक्तदान किया। इसके साथ ही महावीर पार्क बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वुमेन्स डे केक काटकर खुशी मनाई गई। इसी तरह गुड़ामलानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ामलानी में भामाशाह महेंद्र अग्रवाल की ओर से 150 बैग विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को वितरित किए गए। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सीता चौधरी बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान की गंगा को बहाना है, महिलाओं को शिक्षित बनाना है। कार्यक्रम आरपी नरपत राज परमार, संस्था प्रधान सांवरी विश्नोई, अध्यापिका तुलसी विश्नोई, कविता विश्नोई, अफसाना बानो, अध्यापक उदयराज गुदारा, गोकला राम सुधार, केमाराम नांगल, मफी देवी सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इसी तरह भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों, शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को टॉफी बैग वितरित कर अंतर्राष्ट्रीय महिला व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराजे सिंधिया का दिवस मनाया। इस दौरान कौशल्या देवी, संगीता देवी, विजय श्री विश्नोई, अशोक सिंह राजावत, दुर्गादास वैष्णव, पुखराज हुड्डा, रमेश कुमार सुथार, नारायण राम सोलंकी सहित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।